हाँ दोस्तों, मैं राजेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हमने फर्स्ट वीडियो में जो पेशेंट जो हाइपरटेंशन, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे और उसके कॉजेस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करके हाइपरटेंशन का पता लगा सकते हैं। जो फर्स्ट करेंगे, बीपी मेजर करेंगे। फिर सेकेंड कर सकते हो चेस्ट एक्सरे। ठीक है, जो थर्ड इसमें कर जो टेस्ट कर सकते हैं वो है ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट में जो भी सोडियम पोटेशियम कितना लेवल है वो देख लेंगे। ठीक है, और इसमें यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट से करेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो पहले पार्ट में देखा था कि पेशेंट है उसको इमेज यूरिया हो रहा था और प्रोटीन यूरिया हो रहा था, तो इनका लेवल है यूरिया में, उसका लेवल देखने के लिए हम यूरिन टेस्ट करेंगे। और इसका यूरिन टेस्ट लेवल करते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन से जो किडनी की डिजीज में पेशेंट को हो रही थी, उसका जो किडनी की फंक्शन से उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि किडनी डैमेज तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। एक नर्स का क्या रोल होता है हाइपरटेंशन पेशेंट में? ठीक है, सो मेन रोल क्या होगा, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करें। नर्सिंग मैनेजमेंट इम्प्रूव कंडीशन। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका फंक्शन, जो नर्सेस का फंक्शन हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी बीपी है वो रेगुलरली मेजर करें, बीपी मेजर। ठीक है, जो पेशेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम डाइट नहीं होते हैं, नियो पोटेशियम प्लस डाइट। पेशेंट को ज़्यादा पोटेशियम डाइट देनी है, सोडियम डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि यदि पेशेंट को सोडियम डाइट देंगे तो पहले सोडियम क्या करता है कि अपने साथ वाटर को भी लेके आता है, मतलब जहाँ सोडियम होगा वहाँ पर वाटर होगा, तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तो पहले वेसल से उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये वाटर आएगा तो और प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, जिससे वेसल से उसके रक्षा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो पेशेंट को पोटेशियम डिस्चार्ज करते हैं, और पोटेशियम है वो जो वेसल्स है उनको नेरो करता है। ठीक है, नेरो नहीं, सॉरी, मतलब जो ब्लड वेसल नेरो होगी उसको डायलेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में आइए, पेशेंट का जो पेट है वो रेगुलर वेट मॉनिटर करते रहिए, पेशेंट का वाइटल साइंस है वो मेजर करें। ठीक है, इसके बाद हम उसके फार्माकोलॉजी के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी का मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक, जो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट जो मेडिसिन आती है वो है ए, मतलब एनजियो एनजियो टेंसिन एंड कर्वेटिन एंजाइम इनहिबिटर्स। जो एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जो एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है वो ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिससे जो वेसल्स है वो नेरो हो जाए। ठीक है, तो अपन को तो वेसल्स उनको डायरेक्ट करना है, तो पेशेंट को एंजियोटेंसिन कर्वेटिन एंजाइम है, जो ऐसे सब्सटेंस देंगे, ऐसे मेडिसिन देंगे जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है उसको इनहिबिट करे, उसको आगे प्रोड्यूस होने से बचाए। ठीक है, जो इसमें जो मेडिसिन आती है उसके बारे में हम देखते हैं, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है। वो पहली मेडिसिन आती है केप्टोपिल, केप्टोपिल। ठीक है, इसमें को नेक्स्ट मेडिसिन है यूरामा प्रिल। ठीक है, इसमें दो ही मेडिसिन पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो ड्रग्स आएगी वो है अमेथी,
इस हिसाब से लर्न करना है ए बी सी डी। ए मतलब एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, बी मतलब बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर्स है उसमें जो मेडिसिन आती है वो है एटेनॉल, जिस भी मेडिसिन मेडिसिन में लोड लगता है एंड में वो बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक। टीमोलोल, प्रोप्रानोल, ठीक, प्रोप्रानोल, जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है सी, सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करता है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन से होता है क्या करती है वो, जो ऑटो डिमांड है हड़ताल उसको, मतलब जो ऑटो नहीं पहुंच रही है हड़ तक उसको, ऑटो जो ऑटो है उसको हड़ तक पहुंचाएगी, और जो वेसल्स है उनको नेरो कर देगी, नेरो नहीं डायरेक्ट कर देगी, ठीक है। नेरो करेगी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी मतलब कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें जो मेडिसिन आती है वो नेफ्रिडीन, ठीक है, एक मेडिसिन आती है नेफ्रिडीन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डी, डी मतलब डायूरेटिक्स, मतलब जो यूरिनेशन करवाती है, इसके लिए हमने पहले वीडियो डाल चुके हैं, डायूरेटिक्स में मेडिसिन आती है वो है थायराइड्स, ठीक है, प्रोपामाइड, थायराइड आ गया। और उसमें जो नेक्स्ट वो मेडिसिन आई है वो है फ्यूरोसेमाइड, प्रोपामाइड, फ्यूरोसेमाइड, और डायबिटीज होगी उसमें अपन एक मेडिसिन वो इंक्लूड कर सकते हैं वेसो डायलेटर्स, ठीक है। और जो वेसो डायलेटर से क्या करें, जो वेसल्स है वो नेरो हो गई है उसको डायलेट कर देगी, ठीक है। वेसो डायलेटर से इंक्लूड करते हैं नाइट्राइट्स, ठीक है। ये इसका फार्माकोलॉजी का मैनेजमेंट हो गया। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो है इसके जो डायग्नोस्टिक, जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं एमएसएल में, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग में जो बनाते हैं एक ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, पहला डायग्नोसिस बना सकते हैं एनजाइटी, पेशेंट को एनजाइटी हो गई, एनजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। और इसमें जो नर्स की रोल क्या होगा कि जो एंजाइटी वाले पेशेंट हो उसको कम करे, जो पेशेंट की एंजाइटी को दूर करने के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, ठीक है। जो नेक्स्ट में नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं वो नॉलेज डेफिसिट, मतलब जो भी डिजीज होगी वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है, तो इसमें नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट है उसको नॉलेज देगी, जो भी डाइट पैटर्न है पेशेंट का कि पेशेंट को सोडियम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में यूज़ करना है, ठीक है। और जो पेशेंट है उसको उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये हो गया। तो इसमें एक आता है इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन का मतलब होता है जो आगे ऊपर वाले प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, मतलब जो एनजाइटी हो रही थी पेशेंट को वो रिलीफ हो गई, ठीक। इसका जो मेन है वो ये, और पेशेंट है उसको नॉलेज मिली अबाउट उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में, ठीक। जो वेट पेशेंट का इंक्रीज हो रहा है वो वेट कंट्रोल हो गया, तो आज में टॉपिक यही था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।